अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज है 6th रोज़ा और आई एम श्योर कि आप सब क्वींस अपनी सारी फैमिली के लिए ढेर सारी मेहनत कर रही होंगी और अजर कमा रही होंगी और हिम्मत निहार रही होंगी, ना ही कंप्लेंट्स कर रही होंगी। जितनी मर्जी गर्मी है, जो भी है, लेकिन खुशी खुशी सहरी और इफ्तारी बन रही होगी। दोनों ही चीज़ें ऑड टाइम्स पर बनती हैं, लेकिन हम माशाल्लाह से हिम्मत निहारती। सो आप सबको बहुत बहुत अप्रिसिएशन मेरी तरफ से। तो यहाँ पे जनाब हो रहा है काम, अगले दिन अफ्तारी है, ये थर्सडे की वीडियो है और फ्राइडे को अफ्तारी है, तो घर पे दावत है। तो मैंने सोचा कि थर्सडे को भी कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, ये ना हो कि बिल्कुल बेसिक सा बना के तो बच्चे को बोर कर दूँ। उसका रोज़ा था तो मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा। उसके लिए मैंने लिया है मैदा, और मैदे में मैंने डाले हैं यीस्ट और चीनी, इंस्टेंट यीस्ट है और साथ में चीनी है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही क्यूट सा पिज्ज़ा लगता है। नॉट्स बना के इसके ऊपर हम इसके अंदर फिलिंग करते हैं, और फिलिंग भी इसकी बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, आपको अच्छी लगेगी। तो अभी इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया और नीम गर्म पानी से मैं इसको नीड कर लूँगी। साथ ही हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। और हमने ना इसको नीड इतना करना है कि ये सॉफ्ट सी डो हो, बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत ऐसे समझे कि आटा जो आप गूंदते हैं ना, लेकिन बहुत आप ढीला सा गूंदें, उस तरह से आपने ये डो बनानी है। नीम गर्म पानी की वजह से यीस्ट जो है वो जल्दी से प्रूफ हो जाएगा और फिर ये डो राइज हो जाएगी। साथ में इस दफ़ा मैंने याद से शुगर डाली, आपको याद है लास्ट पिज्ज़ा में मैं शुगर डालनी भूल गई थी। तो ये देखिए, ये इसका टेक्स्चर है, सॉफ्ट सी डो है, जैसे प्ले डो नहीं होती, बस वो टेक्स्चर समझ लें। इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया और इसको मैं कवर करके रख दूंगी जब तक ये साइज में डबल हो जाए। आजकल गर्मियां आ गई हैं तो तकरीबन 30 से 35 मिनट्स में ही राइज हो जाती है। उतनी देर में मैंने एक जिप लॉक बैग ले लिया और इसके अंदर मैं किरी क्रीम चीज़ जो है ना वो डाल रही हूँ। आपके पास जो भी क्रीम चीज़ है, जो शेप दे सकते हैं आप, तो पाइपिंग बैग में डाल के वो क्रीम चीज़ आपने यूज़ करना है। इसको हम रेडी करके रख लेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। अच्छा जी, फिलिंग बना लेते हैं पिज्ज़ा की, और ये बहुत इजी फिलिंग है। चिकन को मैंने बहुत छोटे छोटे, ऐसे कह लें 1/2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कट किया है। साथ में मैंने डाली है प्याज और बेल पेपर्स, ग्रीन और रेड दोनों, और साथ में मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, और ये है जी गार्लिक पाउडर, साथ में ये जा रहा है ऑरेगनो, और ये नमक है, और ये है इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। तो बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और इतनी टेस्टी बनती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप चाहें तो ब्लैक पेपर वगैरह ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, ये देखें, ये हो गया है साइज में डबल। तो फिर अब इसको मैं शेप दे लूँगी एक रोटी की। इसको बेलने के लिए ना आपको मैदा ज़्यादा यूज़ करना होगा, नहीं तो ये काउंटर पे स्टिक करेगी। और बस हमने रोटी से इसको डबल थिक बेल कर देना है, बेल देना है, जैसे कि 1/2 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम थिक होगी। तो ये देखें, आइडिया हो रहा होगा आपको देख के। अच्छा जी, अब मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रख दी है जस्ट साइज की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी की जो डो है ना, उसकी मैंने स्ट्रिप्स कट की हैं, लेकिन डायगनली टेढ़ी करके कट की हैं, बिल्कुल प्लेट के साथ सीधी मैंने कट नहीं की। आप ये देखें, इस तरह हेल्प होगी जब हम नॉट्स बनाएंगे ना, तो वो इजीली एक दूसरे के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएंगी स्ट्रिप्स। तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर थिक रख लें, ये आपकी चॉइस है, आपने स्ट्रिप्स कितनी थिक रखनी है। अब ये जो क्रीम चीज़ है, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से एक पूरा सा रिंग बना के रख लूँगी, ताकि उसके ऊपर फिर हम स्ट्रिप्स लगा सकें। अब अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप मोज़रेला चीज़ जो है ना उसको कट करके, तो उसके भी छोटे छोटे पीसेस रख के उसके ऊपर आप ये नॉट्स बना सकते हैं। या फिर आपके पास श्रेड हुआ हुआ है तो वो आप थोड़ा सा रख लें, या फिर उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे से जो कबाब होते हैं ना कीमे के, उनको थोड़ा कुक करके ना, ताकि ज़्यादा देर ना, मतलब कच्चे ना लगाएं उसके अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा फिर उनको बेक होने में, लेकिन पिज्ज़ा बेक हो जाएगा। सो कबाबों को कुक करके आप इसके डाल के तो आप नॉट्स बना सकते हैं।
अब ये देखिए ये नॉट्स में एक दूसरे के ऊपर टेढ़ी रख रही हूँ, एक इस तरफ को दूसरी उसके ऊपर, ऐसे क्रॉस बना रहे हैं हम, तो इस तरह से अच्छी सी शेप बन जाएगी। और ये जो क्रीम चीज होता है स्प्रेड जो भी आप लेंगे वो मेल्ट होके बह नहीं जाता है, सो इसलिए वो उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट सा नजर आएगा ना, तो बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बना रहे हैं बस हम, साथ में मेक श्योर कि जो स्ट्रिप्स हैं ये डो के साथ अटैच भी हो जाए, ऐसा ना हो कि बेक होते हुए स्ट्रिप्स जब साइज में डबल होंगी तो ये खुलना शुरू हो जाए, सो मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से प्रेस कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा देंगे, और फिर उसके बाद ये जो चिकन की स्टफिंग हमने बनाई है ना, स्टफिंग की इंस्ट्रक्शंस देनी भूल गई, बस आपने जब चीज़ें मिक्स की हैं तो उसके बाद आपने इसे तेज आग पे स्टर फ्राई करना है कि जब चिकन पक जाएगा तो बस स्टफिंग रेडी है। ये स्टफिंग बेशक गर्म ही होगी, आपने इसको इसके ऊपर डाल देना है पिज्ज़ा के ऊपर, कोई मसला नहीं, अभी बेक ही होना है सबने। और उतनी देर में मैंने अवन भी प्री हीटिंग पे लगा दिया, वही जो पिज्ज़ा का टेम्परेचर होता है 220 डिग्रीज और 15 मिनट्स के लिए, मैंने अपर लोअर दोनों रॉड पे उसको हीट कर लिया। अगर आपका अवन प्री हीटिंग ऑफ भी हो जाए ना तो दोबारा आपको उसकी प्री हीटिंग ऑन करनी है, क्योंकि प्री हीट होने के बाद वो बंद कर देंगे आप उसको या ऑफ हो जाएगा तो फिर ठंडा होने लग जाएगा, तो हमें तो सेम टेम्परेचर चाहिए ना, सो आप कंटिन्यू करेंगे उसको अगर आपने बहुत पहले ऑन कर लिया तो। अच्छा, इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है, साथ में मैं ये इसके ऊपर ऑयल जो है ना ये ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा गोल्डन हो जाए ऊपर से। बस इसको मैंने डाला है जी ट्रे में, और बस अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे, और इस वक्त मैं सिर्फ लोअर रॉड पे इसको बेक करूंगी, अपर रॉड आप देखें ऑफ है, अपर रॉड को लास्ट में ऑन करूंगी। 15 मिनट में पिज्जा बेक हो जाता है और लास्ट में मैं एक दो मिनट ऊपर से इसको कलर दे लूंगी। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं चिकन एंड एग सैंडविच, उसके लिए मैंने चिकन ले लिया बॉयल्ड और बॉयल्ड एग्स ले लिए, साथ में सॉल्ट ब्लैक पेपर मस्टर्ड पेस्ट और साथ में ये है मेयो। अब हम इसमें डाल रहे हैं केचप, ये सभी इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मिल जाएगी, वहां से देख लें। बस हम इसको मिक्स कर लेंगे, ये चिकन बॉईल करके मैंने श्रेड किया हुआ है। जब तक पिज्जा बेक हो रहा है हम सैंडविचेस बना लेंगे, उसके लिए मैंने क्यूकम्बर ले लिया, उसको वॉश कर लिया है और उसको मैं वेजिटेबल पीलर की हेल्प से पील कर रही हूँ। नॉर्मल जो पीलर्स हमारे घर में है वो यूज होंगे, और इनका हमने क्यूकम्बर्स का छिलका नहीं उतारना, इसी से ये अच्छा प्यारा लगेगा सैंडविच के ऊपर जब हम लगाएंगे। ये पिज्जा हो गया माशाल्लाह से रेडी, और देखें कितनी प्यारी लुक आई है, और इसके अंदर ये जो नॉट्स हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, और साथ में जो चीज़ उसमें से नज़र आ रहा है बहुत ही अपीलिंग लग रहा है, और ये जो स्टफिंग है ना ये आप ट्राई करके देखें चिकन वाली, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं अब सैंडविचेस की तरफ। तो सैंडविचेस के ऊपर ना मैंने बहुत ही थिन सी लेयर लगाई थी मेयो की, क्योंकि मैं आपने ये देखा हुआ पहले भी बनाती हूँ क्यूकम्बर ऊपर लगा के ना, तो जस्ट ऐसे ही लगा देती हूँ और क्यूकम्बर स्टिक कर जाते हैं, तो अभी मुझे ख्याल आया कि मैं इनको ज़्यादा बेटर स्टिक करने के लिए ये मेयो क्यों ना लगा दूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब खीरा पील करते हैं ना तो उसके अंदर से मॉइस्चर निकलता है जो कि ब्रेड के साथ फिर स्टिक करने में उसको हेल्प करता है, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग स्टिकिंग हो जाएगी, लेकिन ये फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ उसकी वजह से, क्योंकि क्यूकम्बर जो है ना उसका पानी फिर अब्सॉर्ब नहीं हो सका, तो सैंडविच को पकड़े तो वो गीला गीला सा लग रहा था। सो अगर आपने मेरी ये तरीका फॉलो करना है तो मेरा पुराना मेथड फॉलो करें जिसमें मैंने आपको दिखाया था, मैं वीडियो देखूंगी अगर मुझे मिल गई तो लिंक शेयर कर दूंगी। आई थिंक मैंने पिछले साल की ईद पे आपसे ये रेसिपी शेयर की थी, तो इसमें मैंने ना जस्ट ऐसे क्यूकम्बर के स्लाइसेस लगा दिए थे ब्रेड के ऊपर, और बहुत अच्छे से वो स्टिक कर जाते हैं और क्यूकम्बर का सारा मॉइस्चर ब्रेड अब्सॉर्ब कर जाती है और ड्राई सैंडविच बनता है। तो ये देखें रेडी हो गया, इसमें मैंने हैलापीनियोस डाल दी थी और साथ में थोड़े से डाल दिए थे सैलेड लीव्स। ड्रिंक भी मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिफरेंट हो जाए, शहजाद का शौक पूरा हो गया है रूह अफ़ज़ा का, तो इस वजह से अब मैं फाइनली अपने मर्जी के ड्रिंक्स पे आ सकी हूँ। तो मैंने लिया है एक बनाना और साथ में ऑरेंजेस डाले हैं, डी सीडेड होने चाहिए, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है स्ट्रॉबेरी। हम बनाने लगे हैं फ्रूट ब्लास्टर, और उसके लिए मैंने फिर डाल दिए इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ठंडा पानी है तो आप बेशक ये ना डालें। एक चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है और साथ में मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तो ये वही टाइप के जूसेस बनते हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं बड़े बड़े फ्रूट शॉप जो ब्रांड्स होते हैं उन पे, लेकिन हम सोच रहे होते हैं कि उन्होंने इतना थिक कैसे बनाया है, उसमें मिल्क भी नहीं डाला, थिक कैसे हुआ, तो वो शुगर सिरप डालते हैं और कॉर्नफ्लावर वाला उससे थिक करते हैं, लेकिन हमने इसको बनाना से थिक कर लिया है। बस ये हो गया है रेडी,
आज की इफ्तार बहुत फेवरेट थी हम सबकी, बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमें बेसिकली ना इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और मैं जब टिपिकल इफ्तार वगैरह बनाई थी ना, पकोड़े समोसे, तो मैं बहुत मिस कर रही थी इस टाइप की इफ्तारी को, जिसमें आपके पास बहुत मज़े मज़े की डिफरेंट सी आई कैचिंग किस्म की रेसिपीज़ होती हैं। सो ये हमारी फेवरेट इफ्तार है। ये है जी फाइनल लुक पिज्ज़ा की भी और सैंडविचेस की, और ये है हमारा फ्रूट ब्लास्टर। इजी सी, सिंपल सी, लेकिन इंतहाई यमिलिशियस और आई अपीलिंग किस्म की इफ्तारी भी रेडी है। और पिज्ज़ा को भी मैंने फिर सोचा कि स्लाइस कर लेती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं आपके पास स्लाइसर है या नहीं है, तो स्लाइसर होता है लेकिन मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता हमेशा नाइफ से ही काटती हूँ। तो ये है जी हमारे आइटम्स जो हमने बनाई हैं। आज तो इफ्तारी के बाद भी नॉन स्टॉप काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह निकालने हैं, वो डिसाइड करने हैं, फिर कौन सी डिश में क्या फूड डालना है वो भी डिसाइड करना है, तो उसके साथ साथ जो कटिंग चॉपिंग वगैरह वो भी सारी करके रखनी है। तो दिन काफ़ी हैक्टिक होने वाला था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी अच्छे से बन गई। मैं चाह रही थी कि त्यामी का रोज़ा है तो बस बेसिक सा बना के उसके आगे ना रख दूँ, जब भी उसका रोज़ा हो तो वो अच्छा फील करे कि मामा ने उसके लिए हार्डवर्क किया है। तो खैर, बाकी ये कि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि शहजाद भाई वीडियो में क्यों नहीं बोलते, शहजाद भाई किससे कोई नाराजगी चल रही है, तो हाँ बहुत नाराजगी चल रही है। मैं, दिल चाहता है मैं उन्हें सहरी इफ्तारी भी ना दूं, बट चले मैं दे देती हूँ खैर इंशाल्लाह जब नौश व्लॉग्स आएंगे ना, तो तब आप उनको भी देखेंगे। ये तो किचन क्वीन स्टाइल में वीडियोज है ना, तो इसमें फिर गपशप नहीं होती है। तो ये मेरी और आपके चैनल है, तो इस पर हमारा ही काम ज्यादा, इस पर जेंट्स का काम कोई नहीं है। तो चले जी, चाय भी बन गई है, बस अब हम चाय पी लेंगे। आज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे आज बहुत काम करना है, क्योंकि कल है अफ्तारी इंशाल्लाह। तो आई हैव लेस देन 24 आवर्स, जिसमें सोना भी है, बातें भी करनी है और तैयारी भी करनी है। तो मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद बस मैंने जो है कटिंग वगैरह ऐसा काम और डिजर्ट्स वगैरह वो मैंने बना के भी रखती नहीं है, तो वो काम निपटा लूँ। फिर प्याज टमाटर वगैरह ऐसी चीज़ें काट के, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसा सब रेडी करके ना ये रख दूंगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलो बस गर्म टी ना गिर जाएगा।